हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों में मैंने फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसे मैंने कुछ बेसिक टॉपिक आपको मैंने बताया थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर कितना है? ये लेक्चर 2 है। ठीक है, मैंने लाइट चैप्टर शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। जिस बच्चों ने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट लिस्ट में अवेलेबल है क्लास 12th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम क्या था? लाइट था। मैंने आप लोगों को थोड़ा बेसिक करवाया था, आज आप उसके अकॉर्डिंग में आगे बताता हूँ। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन बोलते किसको है। एक था रिफ्लेक्शन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये रिफ्लेक्शन है ये रिफ्रैक्शन है। तो ये मैंने आप लोग कराया था पहले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में क्या करा रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्शन। अभी ये दोनों पहले देखते हैं, ये किसको बोलते थे कि लाइट एक रेत से आ रही है, उसी मतलब कि जिस मीडियम से आएगी ना उसी मीडियम में क्या हो जाती थी, बैक हो जाती थी, तो उसको बोलते थे रिफ्लैक्शन। लेकिन इसमें क्या होगा, एक मीडियम से आएगा जो लाइट रेज है, क्या होगा, एक मीडियम से आएगा और दूसरे मीडियम में जाएगा। इसमें क्या था कि एक मीडियम से आएगा उसी मीडियम में बैक हो जाता था, इसमें क्या होता है लाइट रेज एक मीडियम से आएगी या दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसको अगर कोई पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या होता, बोल सकते हैं इट इज द फेनोमेनन इन विच लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, मीडियम क्या होता तो आप लोगों को पता होगा, एयर है, ग्लास है, बहुत सारे मीडियम होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है ना, इसके बाद होता है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सिंबल होता है सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको म्यू दिखाते हैं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये किसी भी मीडियम का क्या है प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है। इसके कारण क्या होते हैं, जो अगर जितनी ये म्यू पे क्या डिपेंड करता है, इसकी लाइट के स्पीड कम होगा या ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका अगर बोला जाए डिफिनेशन तो क्या लिखोगे आप लोग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। यानी एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि मीडियम्स हर एक मीडियम में क्या होते हैं, चेंज होती है। क्या वेलोसिटी ये चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मीन्स मैंने अभी क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम टू मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी मीडियम टू मीडियम। मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो इसको आप अरेंज कीजिएगा तो इसको ऐसे ले सकते हैं हम, म्यू वन म्यू टू और C2 C1। क्योंकि देखिए अगर मैंने क्या बोला, अगर ये बढ़ेगा ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये घट रहा है, ये इस तरह का देख रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा एक मिनट, आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि एयर का स्पीड कितना होता है, क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, एयर का। ऐसे मैं पूछूँ अगर ग्लास का कितना होता है तो क्या बताओगे आप लोग, ग्लास का होता है 2×8⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्लास का। वाटर का कितना होता है, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तीन डाटा आप लोग याद रखना है, एयर के लिए, ग्लास के लिए और
वाटर के लिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सेम कंडीशन ऐसे आप लोगों को याद करना है, क्या आप लोग याद क्या करना है, वो चीज़ें म्यू की कुछ कुछ वैल्यूज होती है, वो आप लोग बुक में से देख के कॉपी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके अलावा और कुछ जो टर्म्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तेरा पहला कॉन्सेप्ट कि म्यू क्या होता है, वेलोसिटी के ये होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो साइन जो एंगल वैल्यू होती है ना, साइन एंगल होती है, साइन वैल्यू ऑफ एंगल होती है, वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, एंगल घटेगा तो ये भी घटेगा। मीन्स साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ लाइट विथ नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इसको आप ऐसे ले सकते हैं, sin θ1 sin θ2 और C1 और C2, ये रहा इसके पॉइंट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एंगल और जो होता है साइन वैल्यूज का, वो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म होता है। मैंने क्या बोला कि अगर म्यू है और साइन थीटा है, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है साइन वैल्यू है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होता है। बोलिए कैसे होता है। अब देखिए ये थीटा क्या होता है, पता है ना आप लोगों को, दो तो थीटा, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला होगा रिफ्रैक्टेंस वाला, वो क्या होगा, वो दूसरे वाले के बराबर होते हैं, मीन्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बताया, इसी को बोलते हैं हम स्नेल्स ला। मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन वैल्यूज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मीन्स कहने का मतलब ये, अगर मीडियम कुछ चेंज हो रहा है ना, ये रहा पहला मीडियम, ये रहा दूसरा मीडियम, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रहा थर्ड कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ किसी भी मीडियम का, वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम क्या है, किसी मीडियम का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन में इसका मीडियम का ये होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इससे यही सही है, ठीक है ना। अब तक तो अगर मैं हमें किसी भी मीडियम का निकालना है वेलोसिटी, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर इन, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उस मीडियम का, जिस मीडियम में आप निकाल रहे हैं उसको अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा और अरेंज कर लीजिए कि मीन्स रिफ्रैक्टिव अगर निकालना है मीडियम का हमें, तो क्या करेंगे, एयर का वेलोसिटी और मीडियम का वेलोसिटी, ये क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये दो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। फिफ्थ में देखते हैं आप लोग, मैंने भाई बोला था क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ कुछ वैल्यूज आप याद, जैसे कि देखिए एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वाटर में देखा जाए तो 1.33 होता है। ग्लास में 1.5 होता है। ऐसा करके कम से कम 10 याद कर लीजिए, बेंजीन का है, डायमंड का है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब एक होता है वेवलेंथ, ये लैम्डा है, क्या ये लैम्डा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर कोई लाइट रेज वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब लैम्डा ये जो चीज़ होते हैं ना, चलो इसको यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इसके ये तो रहा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के यूज आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। इसके आगे टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, उस तरह के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो पहला क्या है जो उसमें था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो जो तीनों होगी वो कहाँ पे लाई करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। कौन कौन सा रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में था क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों में स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, दोनों बिल्कुल हल्का चेंजेस है, ठीक है ना। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। मैंने पहला क्या बताया, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे होता है, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये रहा पहला रूल। सेकेंड लॉ क्या है इसका, जो मैंने अभी बताया था ना पीछे स्टेंस लॉ होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ नॉर्मल का था कॉन्स्टेंट होता है, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जो कि कॉन्स्टेंट है। क्या होता है, म्यू वन साइन आई इक्वल में म्यू टू साइन आर, ये होता है क्या, ये क्या होता है, बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स, जो मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोग का सेकेंड लॉ हो गया। अच्छा एक मिनट देखिएगा आप लोग ध्यान से, अब थोड़ा सा मैं एक दो एक फिगर कराता हूँ आप लोग देखिए। मानिएगा कि ऊपर एयर मीडियम है, नीचे क्या है, ग्लास मीडियम है, या वाटर कुछ भी मान सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए अगर ये एयर है तो इसकी म्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी ग्लास कितनी होती है, बोलिए, ग्लास मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को कितना होता है, जल्दी बोलिए, 1.5 भी बोल सकते हैं या 3/2 भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लिया यहाँ से कोई लाइट रेस आ रहा है, ठीक है, ये एयर है, इसको ये है रेयर मीडियम, अब ये है डेंसर मीडियम। मैं बताऊंगा कि रेयर और डेंसर होता है क्या है, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं फिगर में आप लोगों को, अब फिर थोड़ा समझाता हूँ मैं फिगर है क्या बेसिकली। देखिए ध्यान से आप लोग, अब ये रेयर क्या होता है, रेयर मीन्स ये जहां पे उसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो। क्या डेंसिटी, ज्यादा या कम, मीन्स जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वहां से अगर लाइट रेज आर, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, किसे बोलते हैं रेयर मीडियम, किसे बोलते हैं जिसकी क्या हो, म्यू की वैल्यू क्या हो, कम हो उसकी तुलना में। दो अगर ऑब्जेक्ट, दो मीडियम दिया हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती, कम होती है, उसको हम बोल सकते कि वो क्या है, एयर मीडियम है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये डेंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि वाटर में और किस में, ग्लास में, वाटर और ग्लास में, ये दोनों में रेयर कौन होगा, तो इसका वाटर कितना होता है, 1.33 होता है, इसे कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में वाटर क्या होगा, रेयर होगा। सेम यहाँ पे रेयर है, तो मीन्स अगर रेयर मीडियम से कोई लाइट रेज आ रही है, जा रही है डेंसर में, तो उसकी लाइट रेज क्या होती है, बेंट होती है, मुड़ जाती है, कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इस तरफ। इसका एक्चुअली में पाथ क्या था इस रेज का, ये था ना, इसकी पाथ ये थी, लेकिन डेंसर होने की वजह से क्या हो गया, लाइट रेज कहाँ पे आ गया, इस तरफ बेंट कर गया, बेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ये मैं कहूँ, अगर लाइट रेज कहाँ से आ रही है, डेंसर से आ रही है ऊपर में, जा कहाँ पर, रेयर में, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, इस तरह का। देखिए आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ रेयर से जा रहा कहाँ पे, डेंसर में। तो अगर इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ से, रेयर से जा कहाँ रही है, डेंसर में, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, जो जिस जगह फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम से आ रहा है, जा कहाँ पे रहा है, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये होता है इंसिडेंट, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना।
ये तो ध्यान देना आप लोगों को, ये तो रहा कॉन्सेप्ट किसका, रेजर मीडियम का और डेंसर मीडियम का, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह के। अब मैं आप लोगों को कल क्या कर रहा हूँ, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। ये है कल मैं कराऊंगा आप लोगों को क्रिटिकल एंगल, फिर कराऊंगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर कराऊंगा मैं ब्रिस्टर्स लॉ, ये कल मैं तीन टॉपिक कराऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो ये टॉपिक जो मैंने कराया आप लोग को, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग शेयर करना है, कमेंट करना है दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।